हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान एंड खान्स प्रोडक्शन में। मैं आपका दोस्त, आपका मेज़बान अथर खान। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बतें दी हैं हमें। और दोस्तों, आज मैं फिर से वो वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया था। बहुत सारे लोग इसको कह रहे थे कि ये फेक है और इसी तरह ऑटो ट्यून और बहुत सारे इधर उधर करके उन्होंने बजाया है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच फिर से वो वीडियो लेकर के आया हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत कुछ बजा सकते हैं, लेकिन ये मौका नहीं मिल पाता है। मैं आपके बीच हूँ और आपसे एक मौके की तलाश में हूँ, और आप अगर चाहें तो आप मुझे वो मकाम दे सकते हैं, आप मुझे उन ऊँचाइयों तक जो है मेरी पहुँचने मदद कर सकते हैं जहाँ एक अच्छे कलाकार को होना चाहिए। दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, आज मैं फिर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ गिटार से। उसके बाद किशोर दा का एक गाना है, उसके बाद शहनाई, और जैसे तोड़ी तीन ताल एक सुर है, मैं उसके उसकी आवाज आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, फिर एक सॉन्ग। और एक बहुत फेमस गाना अरिजीत सिंह साहब का, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक गिटार। उसके बाद
बिगुल, बिगुल जो हमारे इंडियन आर्मी जो परेड में जो बजाते हैं या फिर मार्च परेड के वक्त में, मैं वो बजाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद कैसेट डबिंग, जब हम कैसेट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं या फिर जब हम स्लो मोशन में चलाते हैं, देखिए कैसी आवाज़ होगी। रफ़ी साहब का बहुत प्यारा गाना, एक मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, वो गाना मैं आपको कैसेट जब डबिंग होगी तो कैसी आवाज़ होगी। रिकॉर्डिंग के बाद अब गाना बज रहा है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। जब कैसे जब आप स्लो मोशन में चलाते हैं, अब उसके बाद आपने देखा होगा सितार, सितार बजाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपने कार्टून नेटवर्क में जिन्होंने जो आप लोगों में से जिन्होंने भी टॉम एंड जेरी देखा होगा, टॉम एंड जेरी में इससे पहले एक म्यूजिक आता है, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपने सारंगी, सारंगी जब गांव में आते हैं मांगने के लिए तो वो देखिए कैसे गाते हैं, और दोस्तों मैं एग्जैक्टली वो क्या गाते हैं वो तो नहीं बता पाऊँ, लेकिन वो जो एक धुन है वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। सखी कहाँ जाओगे, नानी के यहाँ, क्या लाओगे वहां से, आम का पेड़, किस लिए बोएंगे, किस लिए फल देगा। दोस्तों
उसके बाद दोस्तों उसके बाद ड्रम, ड्रम जो ढोलक जो हम शादी वगैरह नगाड़े जिसको कहते हैं आप, उसके बाद मोहब्बतें, मोहब्बतें मोहब्बतें के लिए आपकी मैं वायलिन बजाता हूँ, मेरे इस कला को आप सलाम करें, मेरे इस कला को आप निखारें। मोहब्बतें वायलिन, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो परेड करते हैं, जब आप हमारे जब साइनिंग जब परेड करते हैं तो एक जो ढोल ताशा जो बजाते हैं वो मैं आप उसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद शंख, शंख जो है वो मंदिरों में जो बजाया जाता है या फिर किसी प्रोग्राम में कैसी आवाज़ होती है। उसके बाद ऑक्टोपैड, दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि जब कॉमेडी म्यूजिक, जब हम कोई कॉमेडी कोई सीन देख रहे होते हैं तो एक स्पेशल म्यूजिक बजाने की कोशिश करती है, मतलब एक स्पेशल म्यूजिक जो निकलता है। देखिए वो म्यूजिक कैसे है, जैसे म्यूजिकल सीन है कॉमेडी वाली, थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर करूंगा आपसे, छोटा कलाकार हूं लेकिन उम्मीदें हैं आपसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला दें आपके लिए मैं कुछ कर पाऊं और देश के लिए।